क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे लद्दाख में ही पहुंच गए हम लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। मैं हूं सुधीर बने और आप देख रहे हैं माय लद्दाख राइड। ये है डे वन और हम लोग आज जा रहे हैं शिरडी की तरफ। हम पुणे से स्टार्ट कर रहे हैं, शिरडी जाएंगे, शिरडी में श्री साई बाबा के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और हमारी लद्दाख की राइड चालू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या मैंने मेरे राइड के डिटेल्स आपसे शेयर किए? नहीं नहीं, तो रुको, लेट्स स्टार्ट अगेन। ये राइड मैंने की है 3 स्टेजेस में। स्टेज 1 जहाँ पे मैं सोलो राइड किया था फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, जो पुणे से शिरडी, शिरडी से इंदौर, इंदौर से कोटा, कोटा से आगरा और फिर देन दिल्ली। स्टेज 2 में मैं एक ग्रुप को ज्वाइन किया, मैंने ग्रुप के साथ राइड किया जो दिल्ली से लेके पूरा आपका लद्दाख का सर्किट कंप्लीट करके मनाली तक आया। और स्टेज 3 में मैंने मनाली से स्टार्ट किया जहाँ पे मैं सोलो था। इनिशियली मैं और मेरा एक दोस्त रॉनी, हम लोग ने मनाली से हम लोग अमृतसर गए, अमृतसर से दिल्ली आए। दिल्ली में रॉनी कलकत्ता की तरफ निकल गया और मैं दिल्ली से पुणे की तरफ निकल गया। तो चलो शुरू करते हैं हमारी इस एक्साइटिंग राइड को, पुणे लद्दाख पुणे। डिटेल्स ठीक से देखने के लिए आप ये वीडियो पॉज करके इस डिटेल्स को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने मेरा पूरा रूट भी मैप का किया हुआ है और साथ में मैंने कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है वो भी लिखा हुआ है। आज की राइड मैंने थोड़ी फुर्सत में स्टार्ट की है, अराउंड 10:30 इन द मॉर्निंग। रीज़न बीइंग मुझे बीच में 2 ब्रेक लेने हैं। मेरे कुछ दोस्त मिलने वाले हैं ऑन द वे, उनको मिलके उनसे बेस्ट विशेस लेके अपनी आगे की राइड को स्टार्ट करूँगा। तो चलो चलते हैं। दोस्तों ये है किंग्स ऑटो राइडर्स का तलेगांव का सेंटर। ये रॉयल इनफील्ड का सेल्स एंड सर्विस सेंटर है। मेरी मोटरसाइकिल का सर्विसिंग मैं यहीं पे करवाता हूँ। अभी इस राइड को स्टार्ट करने के पहले मैंने यहीं से सर्विसिंग करवा के ली है और अब तक का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस सर्विस सेंटर का। तो उनको थैंक्स बोल के चलो आगे चलते हैं। ये है पुणे नाशिक हाईवे। हमने चाकंड में इसको कनेक्ट किया और हम लोग अभी ऑलमोस्ट संगमनेर तक ये रोड से जाएंगे। संगमनेर के पहले, थोड़े से पहले हमको ये रास्ता छोड़ना है, राइट टर्न लेके शिरडी की तरफ हम लोग मूव करेंगे। काफ़ी अच्छा रास्ता है, क्रूजिंग करने का अपना ही मज़ा है रास्ते पे। काफ़ी दूर तक आप रास्ता देख सकते हो, जा रहा है शांति से, आप एक सर्टन स्पीड मेंटेन कर सकते हो रास्ते पे। और सामने आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये आसमान दिख रहा है। बादल अभी जमा हो रहे हैं क्योंकि ये मॉनसून का सीज़न अभी चालू होने वाला है महाराष्ट्र का, क्योंकि हम लोग की जून में है तो जून मिड के आसपास मॉनसून स्टार्ट होता है महाराष्ट्र का नॉर्मली। तो आप थोड़े थोड़े बादल भी देख सकते हैं, बट जैसे जैसे हम लोग टूवर्ड्स नॉर्थ जाएंगे तो आसमान थोड़ा क्लियर होते जाएगा। तो चलो इस रास्ते का भी मज़ा लेते हैं।
वाह क्या फील है इस जगह का। हम अभी भी नासिक हाईवे पे ही जा रहे हैं और संगमनर से अराउंड 15-16 किलोमीटर्स पहले ये जगह आती है, शायद अराउंड 20 किलोमीटर्स रहेगा। लेकिन क्या फील है इस जगह का, ऐसे लग रहा है जैसे हम लद्दाख में पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत पहाड़ और उसके बीच में से ये जाते हुआ रास्ता और सामने नीला आसमान, अलग ही एक्सपीरियंस है। और पुणे के इतने नज़दीक है तो कभी भी लद्दाख को याद करेंगे या मिस कर रहे रहेंगे तो यहाँ आ सकते हैं एनी टाइम। तो चलो इसका भी मज़ा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये राइट साइड में देखिए बहुत ही खूबसूरत बरगद का पेड़ है और हम अभी मेन हाईवे नासिक हाईवे छोड़ चुके हैं, संगमनेर क्रॉस कर चुके हैं और ये इंटीरियर रोड पे आए हैं। ये ऑलमोस्ट सिंगल लेन रोड है, कोई डिवाइडर नहीं है, बट एकदम सीधा सीधा रोड दिख रहा है। काफ़ी खूबसूरत रोड है, सामने इतना अच्छा नज़ारा है और छोटा रोड होते हुए भी ट्रैफिक नहीं होने के कारण मैं काफ़ी अच्छा स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ ये रोड पे। तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी शिरडी पहुँचने की और ये रोड पे जो भी दिखेगा उसका मज़ा लेते लेते जाएंगे। तो चलो मिलते हैं शिरडी में। लीजिए पहुंच गए हम शिरडी में। यहाँ आके मुझे एक प्रॉब्लम फेस करने को मिला जो मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ। मैंने होटल बुकिंग नहीं किया था क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा था यहाँ काफ़ी सारे होटल्स हैं तो आसानी से बुकिंग मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे शिरडी में अगर आप अकेले हैं तो आपको कोई भी होटल रूम देने में हिचकिचाता है। मैंने ऑलमोस्ट 5-6 होटल में ट्राई किया, मुझे रूम नहीं मिला। आखिरकार एक होटल वाले ने मुझे डेयरिंग करके रूम दिया। बहुत अच्छा नहीं था प्रॉपर्टी, पर फिर भी मुझे रहना था तो मुझे वो सिचुएशन में वो एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अगर अकेले आ रहे हैं शिरडी में तो मेक श्योर दैट आप एडवांस में होटल बुकिंग करें, होटल वाले से कम्युनिकेशन करें कि आपका बुकिंग कंफर्म है एंड आप उसको क्लियरली बता दें कि यू विल बी अलोन स्टेइंग इन
दैट रूम। बहुत ही अच्छी तरह से मुझे दर्शन करने को मिले मंदिर में। शाम की आरती में भी सहभागी होने का अवसर मिला जो मैं चाहता था, तो बहुत ही खुशनसीब हूँ उस बारे में। तो चलो अभी दर्शन लेके मैं बाहर निकला हूँ मंदिर से, अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। ऑन द वे एक टी ब्रेक लेता हूँ और इसी के साथ ये वीडियो भी मैं समाप्त करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से एक लाइक कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से, अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।